तो आज मैं चला रहा हूँ टोयोटा फॉर्चूनर, जिस पे मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे फॉर्चूनर चलानी है, लेकिन ये है 2011 मॉडल। तो जो पहले वाली थी ना, ये वो वाली है। और जो एकदम जो जो एक्सपीरियंस मेरा होता जाएगा मैं शेयर करते जाऊँगा। जैसे भाई सीटिंग का काफ़ी ज़्यादा है कि सीटिंग काफ़ी हाइट पर नहीं बैठे होते। तो इससे पहले जो मेरे ख्याल से जो मैं सबसे हाइट की गाड़ी पर बैठा था वो स्कॉर्पियो थी, और ये थोड़ा सा उससे ऊपर ही है। और मतलब सीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अपराइट है, एकदम ऊपर जो हाइट पे बैठते हैं ना वो इसमें फील आ रही है। दूसरा भाई स्टेयरिंग गाड़ी के हिसाब से तो है ही एकदम, भाई स्विफ्ट की तरह लाइट तो होगा नहीं, गाड़ी की तरफ तरह होगा, अपने आप आ रहा है वापस, मतलब स्टेयरिंग ठीक है। बाकी देखो फॉर्चूनर सबको पता है कि ये भी फीचर्स के मामले में उतना रिच नहीं होते। कुछ एक गाड़ियाँ होती है ना फीचर्स के मामले में नहीं, बस अपने रॉब की वजह से चलती है, जिसमें स्कॉर्पियो है और फॉर्चूनर है। इंडेवर नो डाउट फीचर्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फॉर्चूनर अपने इस बाइक के नाम की वजह से चलती है। गियर स्टिक ठीक है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ या मैं उसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ फॉर्चूनर का, या ना कंपैरिजन किसी गाड़ी के साथ। तो अपना जो भी जो है एक्सपीरियंस वो मैं शेयर कर रहा हूँ। 3000 सीसी का इंजन है इसका, D4 वेरिएंट है। पानी भरा हुआ है, ये चीज काफी ज्यादा दिख रही है यार, मैं ये इसका नाम भूल गया, क्या कहते हैं बोनेट के ऊपर जो होता है ना इसके वेंटिलेशन के लिए, तो इसका नाम भूल गया बस मैं। थोड़ा सा स्लो लग रही है बस यार, पता नहीं या तो डर वो इसका किक किया नहीं अभी तक। गियर तो इसका भी हिलता ही है, ना ठीक है उसके, उससे थोड़ा बहुत कम ही है, गियर स्टिक कम ही हिल रही है, उतनी नहीं हिल रही। हाँ उससे तो कम ही है यार। कमर से ऊपर आ रहा है भाई बोनट रटले, पर पता नहीं यार स्कॉर्पियो का पिकअप तेज क्यों लग रहा था इससे। 3000 सीसी है फिर भी, या तो भाई मेरे चलाने में होगा कुछ कि मैं देख नहीं पा रहा ढंग से। बराबर में किसी गाड़ी की साइड में लगाओ तो पता चल रहा है गाड़ी की हाइट कितनी है। विजिबिलिटी तो बढ़िया है अभी। क्या आ रहा है इसमें, सीट बेल्ट की बीप नहीं करते हैं ना? ये मेरी पता नहीं भाई बीप का, मैंने तो बैठते ही लगा ली, बैठते ही लगा ली थी मैंने तो, बीप नहीं कर रहा। नहीं कर रही होगी भाई, 2011 का हो सकता भाई, क्या पता उस वक्त ना हो, मुझे नहीं पता। मैंने तो पहली बार मैं फॉर्चूनर में बैठा हूँ, पहली बार फॉर्चूनर चलाई है, तो ये मेरा इनिशियल जो है इम्प्रेशन है इसके ऊपर जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ब्रेकिंग ठीक है, दो ही डिस्क ब्रेक है ना इसमें शायद। बाकी एसी कैसे? एसी ज़्यादा यूज़ ही नहीं करी भाई, चलाने के ऊपर ध्यान है, और कूलिंग वूलिंग इनकी ये थोड़ी देख रहा हूँ, मतलब तो ड्राइविंग का देख रहा हूँ कैसे लग रहा है फॉर्चूनर में बैठ के। बस थोड़ा सा वही अचंबा हो रहा है कि मतलब अगर 3000 सीसी का इंजन है तो पैर दबाते भाग क्यों नहीं रही। ये होगी भाई, या तो क्योंकि इतनी देर में तो उठ रही थी स्कॉर्पियो, मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं स्कॉर्पियो का फॉर्चूनर के साथ, बस मैं ये देख रहा हूँ मैंने अब तक सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी चलाई, और उसके बाद जैसे अब ये चला रहा हूँ तो क्या डिफरेंस फील हो रहा है, मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं है। ट्रैफिक है, ट्रैफिक है यार, सीएनजी की लाइन है, यह थोड़ी होगी वो है।
इसका तो वो हॉर्न लगाओ जो नई फॉर्च्यूनर बनी है तब गाड़ी का जैसे 10 साल का टाइम पीरियड होता है उसका शायद 2-3 साल और एक्स्ट्रा। हाँ वैसे चल भी गई ना 1,60,000 किलोमीटर उसके बाद भी तो है। वैसे टोयोटा का इंजन है किर्लोस्कर की, इतनी चलनी नहीं, मतलब वो नहीं होना चाहिए इंजन की, मतलब होता ना डिटोरेट हो जाता कि लाइफ कम हो रही, वो सब नहीं है। थोड़ी जो डीजल इंजन की होती है ना भाई, गियर की यार लीवर की हाइट तो पूरी है। बॉडी रोल वो तो भाई कट वट मार के देखो, पर वो नहीं करूंगा मैं। स्कॉर्पियो में तो है बॉडी रोलर काफ़ी, इसमें ज़्यादा फील हो नहीं रहा वैसे, इतनी स्पीड तक तो हो नहीं रहा। कट वट में से मैंने मारे नहीं है ज़्यादा, ना तेज चलाई। भाई वैसे पेट्रोल में कि डीजल में यार फील ना आ रही। इनिशियल पिक अपना दे दो ना, इनिशियल ना बाद में भी नहीं है, बस घुमा लें। अब जैसे 4x4 में शिफ्ट करिए ना गाड़ी, तो ज़्यादा पावर का मुझे वो फील नहीं हो रहा कि हाँ पावर बढ़ गई, क्योंकि ब्रेज है थोड़ी। ब्रेज़ थोड़ी है मतलब कि ब्रेकिंग है यार, ब्रेकिंग इसकी बढ़िया होनी चाहिए। वैसे बड़े टायर हैं, बड़ी गाड़ी है, वेट ज़्यादा है, जल्दी रुकनी चाहिए। अभी पर ही देख लिया। चलो भाई सीधे चलिए। तो भाई अगर किसी के पास, अगर कोई देख रहा हो और उसके पास अगर यही वाला मॉडल है लगभग 10-11-12 के आसपास, अगर मुझे नहीं पता कब डिसकंटिन्यू हुई थी, सही कह रहा हूँ, तो अगर उसके पास यही है तो मुझे बताना कि क्या पावर डिलीवरी कैसी मिलती है, मतलब एकदम इंस्टेंट आती है जो डीजल इंजन देना चाहिए, क्योंकि 2000 cc का इंजन ज़्यादा दे रहा है इससे तो 3000 cc से, तो क्या फ़र्क होता है वो मुझे बताना। सीरियसली नहीं ले रहे लोग फॉर्च्यूनर, पता नहीं क्यों इसको, ये रिवर्स करेगा। ब्रेकिंग ठीक है, लीवर थोड़ा सा मतलब लूज भी है और उतनी इफेक्टिव ब्रेकिंग तो नहीं कह सकता, मतलब मैं फिर रह के भाई, फिर वही सारी चीज़ें आ रही कि 1,60,000 भी तो चल चुकी है, चीज़ें घिसती हैं ओवर द टाइम, गियर इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है। हो सकता है ये फॉर्च्यूनर के अंदर ही हो कि भाई नहीं आते होंगे, पता नहीं, तो जो ऑन करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, मैं तो बस अपना बता रहा हूँ। जल्दी कर भाई दबा। दूसरे गियर में वैसे उठ जाएगी, बट हमें उसकी आदत है अपनी छोटी गाड़ी की बार बार फर्स्ट करने, इसको जरूरत है नहीं, बट सेफ साइड के लिए। चलो भाई यार ये विदाउट टर्बो तो नहीं है। सर की सही प्रॉपर अभी पता नहीं।
लॉकडाउन में नहीं हुई थोड़ी प्रॉपर्ली, बाकी तो हुई है। लॉकडाउन तब लगा, एक साल से गाड़ी तो भाई 11 साल पुरानी है। ऐसे ही थी यार लॉकडाउन, पता है ये प्रॉपर्ली तो शायद नहीं हुई थी। तभी थोड़ी कमी है। बाकी सस्पेंस सही है, सस्पेंस ठीक है। एक आधे जैसे अगर भाई मैंने ढंग से नोटिस करा हो तो बॉडी रोल उससे तो कम है, स्कॉर्पियो से तो कम है, पता नहीं होती है स्पीड या तेज स्पीड। हाँ पर इतनी मैंने स्कॉर्पियो चला के देखी थी जितनी ये चलाई है, तो उस हिसाब से बॉडी रोल लग नहीं रहा, क्योंकि गड्ढों में फिर ज़्यादा वो करती है ना, जलती है ज़्यादा स्कॉर्पियो, ये नहीं कर रही ज़्यादा। बाकी यार इसका तो ब्रेक जैसा ड्रैग रेस करते भाई जीते ना। कौन सी जीते? ब्रेजा। हाँ जीत जाएगी, पिकअप तो छोटी गाड़ी है ना, लाइट वेट है, मतलब इससे तो जीत जानी चाहिए। स्टेयरिंग थोड़ा सा हार्ड है भाई गाड़ी के हिसाब से। नहीं सही बताऊँ लग नहीं रहा फॉर्च्यूनर है, मतलब भाई होता ना बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो वो फोबिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, सही बता रहा हूँ भाई, मतलब अलग सी नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गाड़ी है, टेंशन हो रही है ट्रैफिक में कि भाई अब पीछे से लगेगी आगे से लगेगी, वो चीज़ नहीं है। हो सकता है नई वाली में हो भाई ये चीज़ की लगे अलग कुछ, वो भी जिस दिन अगर चला पाया किसी दिन तो वो भी शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो में देखो छोटा सा ही था कंटेंट था, थोड़ा बहुत बताया, जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया, ज़्यादा कुछ पता नहीं आप लोग सीखने को मिला कि नहीं, और जो डाउट था मेरा वो दूर कर देना कि इतनी पावर मिलती है कि इसमें 3000 cc में वो खड़ी अपनी, तो वो मुझे बता देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए थैंक यू सो मच।